दिगरा शहर और तहसील के लिए शनिवार शाम से रविवार सुबह तक अलग अलग हादसों और घटनाओं में चार लोगों की मौत की खबर सामने आई, जिसमें एक शख्स ने फांसी लगा ली एक की पानी में डूबने से, तो वही अन्य घटनाओं में दो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जान गंवा चुके हैं, जिसमें एक पर यवतमाल में निजी अस्पताल में उपचार चल रहा था, वही दूसरे पॉजिटिव मरीज की दिल का दौरा पड़ने से मौत होने की जानकारी मिली। तस्वीर में नजर आ रहा ये युवक 18 वर्षीय नारायण सुमन राठौड़ है, जो दिग्रस्त तहसील के धानोरा खुर्द ग्राम का रहने वाला था, जिसकी शनिवार शाम 4 बजे पानी में डूबने से मौत हो चुकी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील के खंडापुर चराई क्षेत्र में नारायण अपने मवेशियों को चरा रहा था, जहां पर अरुणावती बांध के पानी के बहाव का ज्यादा जोर होने से गाय सहित अन्य मवेशी पानी में ना जा फंसे, इसलिए नारायण किनारे पर खड़ा होकर मवेशियों को उधर आने से रोक रहा था। ऐसे में उसका संतुलन बिगड़ जाने से वो पानी में जा गिरा। इस घटना का पता चलते ही घटना स्थल पर पहुंचकर दिगरस पुलिस ने जांच शुरू की और लाश को पानी से बाहर निकाला। इस प्रकरण में दिगरस पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है। आगे की जांच पुलिस निरीक्षक सोना जी आमले के मार्गदर्शन में पुलिस कर्मचारी नरेंद्र पुंड और ब्रह्मदेव टाले कर रहे हैं। इसी तरह रविवार की सुबह दिगरस के हिंदू शमशान भूमि में अपने परिवार के साथ काम करने वाला युवक नितिन सुरेश कुलेवाड़ ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने की जानकारी है। मालूम हो कि नितिन उमरखेड़ धान की तहसील का रहने वाला था। मृतक नितिन के पश्चात परिवार में पत्नी, माँ, भाई, बहन आदि है। इस घटना की जानकारी मिलते ही दिगरस पुलिस ने घटना स्थल से नितिन की लाश को बरामद कर जांच शुरू कर दी है। इस मामले में जांच पुलिस उप निरीक्षक विनायक जाधव और नावकर आदि कर रहे हैं। इसके अलावा शहर के दो, अंबिका नगर से एक और साईनाथ नगर से एक कोरोना पॉजिटिव शख्स की मौत का खुलासा हुआ है। गौरतलब है कि शहर और तहसील में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच कोविड केयर के मैनेजर डॉक्टर अभय गोविंदवार के मुताबिक सुखद खबर यह है कि शुरू से लेकर अब तक तहसील में 600 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित थे, जिनमें से करीब 360 लोगों ने होम्योपैथी का उपचार लेकर कोरोना को हराने में सफलता दर्ज की है। इसी तरह से कोविड केयर में आने वाले मरीजों पर डॉक्टर कपिल मुनेश्वर, डॉक्टर प्रशांत जाधव, डॉक्टर संतोष जाधव एलोपैथी उपचार कर रहे हैं। गौरतलब है कि अब तक कई सामाजिक संस्थाओं सहित संगठनों ने भी बीते दिनों कई लोगों को निःशुल्क रूप से होम्योपैथी आर्सेनिक एल्बम 30 नामक दवा, मास्क, सैनिटाइजर आदि का वितरण किया है। स्थानीय प्रशासन भी कोरोना से बचाव के लिए नागरिकों को शुरू से प्रोत्साहित कर रहा है। इस कार्य में बड़ों से लेकर बच्चे भी पीछे नहीं है। शहर के विद्यानिकेतन इंग्लिश मीडियम स्कूल में पहली कक्षा की 6 वर्षीय छात्रा शरयु विनोद दुधे ने स्कूल में आयोजित ऑनलाइन स्पर्धा में कोरोना से बचाव पर व्याख्यान दिया। आइए देखते हैं कोरोना संक्रमण से बचाव पर शरयु की ये वीडियो क्लिप। NBC न्यूज के लिए दिगरस से जुबैर खान की रिपोर्ट।